हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचा। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल शत्रुशूरमणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्ट मूल गुणों की अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें कल हम यहाँ इनके नामोल्लेख की चर्चा कर चुके हैं। चार प्रकार के शिक्षाव्रत और उसके पहले तीन प्रकार के गुणव्रत। नामों की चर्चा हो जाने के उपरांत अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर के श्लोक से, जहाँ गुण व्रतों का स्वरूप बताया जाना है। देखिए पेज नंबर 328 पर गुण व्रतों का स्वरूप। परिचिन्न दिशि प्राप्तिम त्यागम निष्फल दुष्कृते मितानस्त्रयादिकत्वं च कृत्यं विद्धिर्गुणव्रते। गुणव्रत में मर्यादित दिशाओं में जाना, निष्प्रयोजन पापों का त्याग और परिमित अन्न स्त्री आदि भोग पदार्थों का सेवन, यह कार्य जानो। ये पढ़ तो लिया था वैसे अपन ने कल, है ना, वो विशेषार्थ और नीचे चर्चा नहीं हुई थी। देखिए सरलार्थ पढ़ते, दसों दिशाओं की मर्यादा कर आजन्म उनके बाहर जाने के त्याग को दिग्व्रत कहते हैं। माने दिग्व्रत शब्द जो है, ये जो व्रत है, ये व्रत यम कहलाता है। आप जानते हैं यम और नियम में क्या फर्क है? जो जीवन पर्यंत लिए जाएं वो यम है, और जो एक मर्यादित समय के लिए जाए वो नियम है। यम जीवन पर्यंत के लिए और नियम कुछ निश्चित टाइम के लिए। तो यम और नियम में, यद्यपि हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे ही कह देते हैं जीवन भर का नियम है, आजीवन नियम ले लिया, तो आजीवन नियम को यम कहते हैं। यहाँ इन्होंने कहा आजन्म त्याग, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया गया। निष्प्रयोजन पाप के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। वो कैसा है ये वास्तव में? बिना मतलब का पाप, जिस पाप को करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो तब तो समझ में आती है, और ये बिना ही मतलब पाप कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, खाम खाम में पाप किए जा रहा है बिना आवश्यकता के। झाड़ू लगाना आवश्यक है, कपड़े धुलना आवश्यक है, लेकिन बिना मतलब पानी चलते रहना ये अनावश्यक। शेव बना रहे हो आप और नल खोल करके खड़े हो, अनावश्यक। नल खोला है और शेव बनाए जा रहा है, अरे तो भाई बंद कर दे उसको। जो काम कम पानी में हो सकता है उसमें ज्यादा पानी बहना ये अनावश्यक है। ऐसी और कितनी ही बातें हो सकती है जो अनावश्यक है, जिनका हमारी लाइफ से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी क्रियाओं में पाप लगे तो बिना मतलब का पाप बांध रहा है। पाप की कमाई वो तो सारी दुनिया करती है, लेकिन ये तो बिना ही मतलब का है ना, वहाँ तो फिर कमाई हो रही है, आसक्ति दिखाई देती है। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब चीज़ों में बिना प्रयोजन प्रवृत्ति, बिना ही मतलब घास पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप घास में, यहाँ बिना घास की जगह, तो भैया थोड़ा सा इधर घिसक करके बात कर लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें?
इस विवेक के लिए बातें कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो ऑडियो चलते हैं ना अपने रोजाना जो ऑडियो चलते हैं ये कहाँ कहाँ सुनते हैं पता नहीं लोग। कल अमेरिका से मैसेज आया मेरे पास में द्विदल के संदर्भ में, बोले आपका अभी ये वाला प्रवचन रोजाना जो चलते हैं ना इस संबंध में, बोले आपने द्विदल के संदर्भ में जो बातें कही वो सब समझ में तो आ गई, दाल बेसन दही बड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन मटर के साथ में भी होता है क्या? क्या और क्या था दूसरा? राजमा के साथ में भी होता है क्या? राजमा के साथ नहीं होता। और क्या मैंने मेरे को ऐसा लगा कि कहाँ कहाँ सुनते हैं लोग अपने यहाँ से जो बात चलती है, जिनकी रुचि होती है और सुनते भी हैं और पालना भी चाहते हैं, पालन भी करना चाहते हैं। हाँ हमें विकल्प उठता है, हम ये सब नहीं खाते जो आपने कहा, लेकिन ये इसमें होता है क्या? इसमें होता है क्या? मटर में लगता है क्या ऐसा? चने में लगता है क्या ऐसा दोष? इनका जिन वस्तुओं के दो दल होते हों, दो हिस्से होते हों, उनके साथ में दही आदि का प्रयोग, उसमें सब में द्विदल का दोष लगता है। अब आप समझ लीजिए दही के मटर यदि बनेंगे तो उसमें भी दोष है। दही की सब्जियाँ हाँ हाँ तो सब में लगता है ना दोष। दालें हाँ हाँ तो आप थे नहीं क्या एक दो दिन पहले चर्चा हुई है हमारी यहाँ? क्योंकि उनके मिलने पर नहीं है वास्तव में तो लार के संयोग से ही है, लेकिन उनको मिलाया काई के लिए है, खाने के लिए तो मिला रहा है। ऐसा तो है नहीं उससे खेती करेगा लाल मिर्ची के बीज होते क्या? लाल मिर्ची के बीज हाँ। देखो भाई मेरा कहने का मतलब ये है बहुत सावधानी रखो, स्वविवेक को काम में लो, अपना जितना विवेक होगा ना उतना आप उसमें सफल होंगे। क्या अनर्थ दंड सब क्लियर होगी? देखिए अन्नादिक भोग योग्य, सुनना तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, अन्नादि भोग योग्य और स्त्री आदि उपभोग योग्य, भोग और उपभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण माने मर्यादा करना, सो भोगो भोग परिमाण व्रत है। दिव्य जी भोग और उपभोग दो शब्द हैं, भोग शब्द का अर्थ होता है वन टाइम यूज वो भोग है, और रीयूज जिसका हो वो उपभोग है। एक बार प्रयोग में ली जावे खाने पीने की चीज़ें सब भोग ही है उनका, लेकिन जिसको बार बार में उपयोग में ले सकते हो जैसे कपड़े जेवर हैं गहने बर्तन ये सारी वस्तुएं ये सब उपभोग है, घर है मकान है गाड़ी है हैं, जिन चीज़ों को रीयूज लिया जावे वो उपभोग है। तो कब भोग की सामग्रियों में भी मर्यादा, खाने पीने की चीज़ों में भी और उपभोग की सामग्रियों में भी मर्यादा। घर भरे रहते हैं सामान आते हैं घर से निकलते नहीं हैं, बड़े बड़े बंगले भी ऐसे लगने लगते हैं छोटे पड़ने लगते हैं, अलमारियाँ कम पड़ने लगती हैं, हर साल दो साल में एक आध अलमारी और खरीद लो ऐसा लगता है। क्या ये कर क्या रहे हो आप? ये अलमारियाँ कम पड़ रही हैं आपको, ये घर छोटे पड़ रहे हैं आपको, ये जगह कम दिखती हुई लग रही है, क्यों? क्योंकि सामान आते हैं निकलते नहीं, एक टेबल और खरीद ली भैया क्या, फिर चार कुर्सियाँ और ले आए, फिर पुरानी का क्या हुआ, फिर मुझे एक टेबल और चाहिए, फिर कपड़े और आ गए बाजार से, फिर किसी ने और दे दिए, तो अब जगह तो क्षेत्र तो सीमित है ना। कह रहे हैं ये जो आसक्ति का जो परिणाम है वास्तव में वस्तुओं के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से फर्क नहीं पड़ता, पदार्थ वहां से आपके 216 से उठ करके बीच अवन में आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है, लेकिन जो तेरे अंदर में आसक्ति का भाव है ना उसके प्रति और ये आसक्ति का परिणाम खतरनाक है, फल तो परिणामों का लगता है। तो फिर साहब क्या करें, परिणाम ही संभाल ले, वस्तुओं को आने दो, ये तेरे मन का खोट है,
इसलिए जितना निर्वृत्ति हो सके, ये जैन दर्शन का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है। पर से निर्वृत्ति और अपने में प्रवृत्ति, ये मार्ग है जैन दर्शन का। प्रवृत्ति मार्ग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो इतनी निर्वृत्ति चाहिए कि बोलना भी नहीं और हिलना डुलना भी नहीं, इतना निर्वृत्त हो जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। उसको भी सीमित कि हाँ, उसको भी इतना सीमित कर लिया है कि हमें जिनेंद्र देव को देखने जानने का भी विकल्प नहीं है। उसको भी इतना मर्यादित कर लिया है कि शास्त्र पढ़ने सुनने का भी विकल्प नहीं है। अब तो ज्ञान और ज्ञायक बस, और कुछ नहीं, इतना मर्यादित हो जावे। ये इतना मर्यादित करने का दर्शन है हमारा जैन दर्शन। अभी तो भोग और उपभोग, क्योंकि भोग उपभोग परिमाण की चर्चा है ना, हमारे भोग उपभोग बाह्य वस्तुओं में ही नहीं होते, ये भोग उपभोग जानने में भी लगते हैं। टीवी देखने का नाम भी भोग है, और उसी चीज को बार बार देखने का नाम उपभोग है। एक ही पिक्चर को बार बार देखने का नाम उपभोग है। तो आप अपने ज्ञान के फैलाव को समेटो, उसको भी मर्यादित करो, इतना देखेंगे इससे ज्यादा नहीं, मर्यादित करो उस चीज को। जैसे घूमने फिरने चलने फिरने की मर्यादा, खाने पीने की मर्यादा, इसी तरह से टीवी की मर्यादा, इसी तरह से म्यूजिक सुनने की मर्यादा। त्यागी करो तो बहुत ही सुंदर है, हम क्या कहें आपसे। लेकिन यदि त्याग नहीं हो और दिन भर में 4 घंटा टीवी चलता है तो 2 घंटे की मर्यादा ले ली, 2 घंटे चलता है तो 1.5 घंटे 1 घंटे की मर्यादा ले ली, अष्टमी चतुर्दशी की मर्यादा ले ली। क्या आज अष्टमी है, आज नहीं चलाना, देखते हैं आज क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें, करके तो देखो, मजा आएगा। आपका टाइम कितना सेव होता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आपका उपयोग आपके दूसरे कामों में लगाओ, आत्म कल्याण के कार्यों में लगाओ, व्यक्तित्व विकास में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, अध्ययन में लगाओ, चिंतन मनन में लगाओ, क्या बच्चों के बौद्धिक विकास में लगाओ, जहाँ जहाँ आपको लगाना हो, जो बचेगा वो लगेगा कहीं ना कहीं दूसरी जगह। चंबल में फेंक दे, आग लगा दे, देश लाई लगा दे, उनके तो प्रवचन बड़े गजब के हुआ करते थे। ये सब्जेक्ट कब की बात है, 5 अक्टूबर 1989 का उनका प्रवचन शिखर जी में किया हुआ। आप थे क्या शिखर जी में उस समय? 5 अक्टूबर 1989 में शिखर जी का जो उनका प्रवचन था 4 और 5 अक्टूबर का, रोजाना प्रवचन उनका 1.5 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। उस दिन 1.5-2 घंटे प्रवचन चला उनका, और मेरे पास उसके सारे नोट्स बने हैं, आज लिखे हैं कॉपी में, कभी खोलते हैं ना ऐसे पुराने लिखे हुए, तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है टीवी के संदर्भ में कि दूरदर्शन वाले को निज दर्शन नहीं हो सकता। क्या क्या आंखों से पी जाने वाली शराब है, बोलो बाट के बड़े गजब के हुआ करते थे। और ये सच्चाई, ये व्यसन है, ये जो है ना, ये व्यसन है। पता है 3 मकार कहे ना अपने व्यसनों में, 3 मकार की जगह उस समय बहुत प्रसिद्ध चलती थी ऐसी चर्चाएं, 3 सकार। 3 मकार का त्याग करें, मध्य मांस मधु, ऐसे 3 सकार का त्याग करो, शराब सिनेमा सिगरेट, ये 3 सकार, शराब सिनेमा और सिगरेट, 3 सकार का त्याग। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर में टीवी नहीं है, बोलो आप, मिलेंगे आपको ऐसे घर आज के जमाने में। चलो कोई बात नहीं, तो भोगो भोग परिमाण की चर्चा चल रही, कितना परिमाण लिया जा सकता है, कितना परिमाण करके करेंगे क्या। कई लोगों को ऐसे लगता है, अरे साहब फिर टाइम का क्या करें हम, अरे भाई साहब जी आत्मार्थी के पास में टाइम फ्री दिखे उसको तो फुर्सत कहाँ है इसको। हाँ खतरनाक है ये, पुण्य का उदय, ये अनुकूलताएं, इसको ऐसा लगता है इसको
टाइम पास करना है। धार्मिक चैनल तो देख सकती हूँ, प्रवचन वगैरह वो जो भी है। देखो आप उनकी निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें कुछ आयोजन आप उसमें देख रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन आप उनके माध्यम से उलझे रहो, टीवी के माध्यम से थोड़ी देर में चैनल बदलते रहो और विषय विषयों के अंदर अपनी प्रवृत्ति चलती रहे। परिमाण की चर्चा चल रही है इसलिए ये विकल्प आया है। हम कितना परिमाण कर सकते हैं, हमारे जीवन में कितना बदलाव हो सकता है। ये दीपेश जी ने बताया मेरे को कल परसों, वो मोबाइल के अंदर ऐसा फीचर आता है जिसमें पता लगता है दिन भर में कितने टाइम आपने मोबाइल देखा। अभी अभी नया आने लग गया ऐसा, आपको पता लगेगा कि कल हमने कितने घंटे दिन भर के अंदर कितने घंटे कितने मिनट हमने मोबाइल देखा था, परसों हमने कितने घंटे कितने मिनट चलाया था, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो आप उसको कंट्रोल करो थोड़ा सा कि यार देखो पिछले वीक तो हमारा इतने घंटे चलता था और इस वीक हमने थोड़ी सी उसमें कमी की। तो करते क्या है, टाइम पास करने के अलावा उंगलियां घुमाता रहेगा इधर उधर उसमें मोबाइल में, और क्या करता है। कि जितना अपने उपयोग को बचाओ, देखिए उपयोग आपकी पूंजी है। आपको ये बाहरी धन तो धन नजर आता है, आपको पैसा तो लगता है कि यार ये खर्च नहीं हो, खर्च नहीं हो। लेकिन दो प्रकार के और धन की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक धन है हमारा उपयोग, हमारा चित्त, ये धन है असली। और एक और थोड़ा सा नीचे उतर करके बात करो तो हम कहेंगे समय, ये धन, टाइम। आपके पास में कितना टाइम है, कहाँ खर्च कर रहे हो आप टाइम को, बीता कल नहीं वापस आता है, बीता समय वापस नहीं आता है। मैंने ये तो कोई उसकी लाइनें हैं, बीता कल नहीं वापस आता है, इसलिए ऐसा कह दिया मैंने। एक समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। इस समय में आप जो काम कर सकते हो, ये समय यदि सोने में निकल गया, ये समय यदि लेटने में निकल गया, ये समय यदि ऐसे टाइम पास करने में निकल गया, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये समय बहुत कीमती है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया देकर के भी आप इस समय को खरीद नहीं सकते हो। और उपयोग आपकी असली पूंजी है, उस पूंजी का सदुपयोग आपने कौन सी जगह किया। हम टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जो बहुमूल्य निधि है, अरे जिस उपयोग के माध्यम से एक क्षण मात्र में तुझे अतिंद्रिय आनंद का स्वाद मिल सकता था, तुझे आत्म तत्व के दर्शन हो सकते थे, तू सिद्धों जैसे सुख का अनुभव कर सकता था, उस उपयोग रूपी धन को तूने कहाँ बर्बाद कर दिया। बच्चे बाजार जाकर के जब कोई चीज उल्टी सीधी खरीद लाते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, देख इस धन के माध्यम से तू क्या कर सकता था। बचपन में कहानी पढ़ी थी हिंदी में, अभी अचानक याद आ गई, कोई 35 साल पहले की घटना, वो उस बच्चों की वो जो कहानी थी, वो हो सकता है आप लोगों को भी कुछ याद आ जाए। एक जगह मेला लगा था और बहुत सारे बच्चे खिलौने खरीदने के लिए गए थे, आपको भी याद आ गई ना, वो चिमटा खरीद लाया। प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। तो बच्चे कोई गुड्डे गुड़िया खरीद लाए, कोई क्या खरीद लाया, कोई क्या खरीद लाया, और फिर क्या हुआ, किसी का रास्ते में टूट गया, किसी का घर लाने के बाद में ठोकर लग गई तो टूट गया। क्या ये जो खर्च किया वो कौन सी जगह खर्च किया तुमने, और वो जो बच्चा था वो बच्चा क्या खरीद करके लाया जो पैसे दिए उसके, वो चिमटा खरीद करके लाया कि माँ रोटी सेकती है तो हाथ जल जाते। क्या आपने उसका उपयोग कौन सी जगह पर किया। देखो खर्च तो सभी कर रहे हैं और खर्च तो हो ही रहा है, बिना खर्च किए खर्च हो रहा है भैया। आपका वो जो बैंक बैलेंस है वो बिना ट्रांसफर बिना निकाले हुए खत्म नहीं होता, पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है तो ऐसा लगता है बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पूंजी है हमारे पास में लाइफ, ये खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है हमारे पास में, उपयोग गलत जगह पर खर्च करके बर्बाद हो रहा है। परिमाण करो, भोगो भोग परिमाण की चर्चा चल रही है, इन्होंने कह दिया यहाँ पे पुण्य भी खर्च हो रहा है, पुण्य पाप की परिस्थितियां तो खर्च हो रहा है, बन रहा है, सब चल रहा है, वो सब समय नहीं आएगा वापस। फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा,
बोलो, सोचना जरा, विचार करना गंभीरता से, मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ यार, मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ। मैं कभी बैठ जाता हूँ ना टीवी के सामने तो मैं महसूस करता हूँ कि इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ हो नहीं सकता है। तो हटने का मन तो हट जाओ, ऐसे ये बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। बोलो, समय निकल रहा है ना, ये कितने काम है अपने पास में, और ये और आप उसके सामने बैठ करके कोई काम करने लगो तो आपके काम की स्पीड 50% रह जाती है, आपका दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है, काम परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्शन नहीं आएगा काम में। चलो कोई बात नहीं, क्या वाक्य पढ़ा अपन ने, तीन हो गए ना, पहला क्या नाम था दिग्व्रत में, दिग्व्रत नहीं गुणव्रत में, दसों दिशाओं का आजीवन मर्यादा, नाम क्या है इसका दिग्व्रत, इसका नाम दिग्व्रत। गुणव्रत का दूसरा भेद अनर्थ दंड, जो इन्होंने नाम दिए अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड त्याग, अभी अनर्थ दंड का त्याग कैसे करें, समस्या ये ना, अनर्थ दंड को छोड़ें कैसे अपन, अनर्थ दंड को ऐसे त्याग नहीं किया जाता है अनर्थ दंड का, लेकिन अनर्थ दंड ना हो इसकी भावना अंदर में होती है तो डे टू डे लाइफ में ऑटोमेटिक मर्यादाएं होती चली जाती, इसका नाम अनर्थ दंड त्याग। काम करते समय डे टू डे लाइफ में अपने आप ही विचार आने लग गया, अरे यार ये ठीक नहीं, अरे यार मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ क्यों चलता हुआ छोड़ जाऊँ, ये सोचता है ऐसा कि दो मिनट में आई तो रहा हूँ मैं, कौन बंद करके जाए, और फिर दो मिनट के लिए निकलता है और 15 मिनट आधे घंटे बाद में आता है और फिर ध्यान आता है अरे यार मैं तो बंद ही कर जाता, आप समझ रहे हो, इसको लगता है अभी दो मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है चलने दो, लेकिन भाई तेरे 2 मिनट का 20 मिनट में निकल जाएंगे तुझे पता नहीं है, तो अनर्थ दंड का भागीदार हो रहा है, सावधान रहे। तो रूटीन लाइफ में आप देखेंगे बहुत बदलाव आएगा, क्षण क्षण की जागरूकता होगी, जागरूक रहो, जागरूक रहे, देखो जागरूक रहने में ही अवंध दशा है, परमार्थ से जो जागरूक होते हैं, जो सो रहा व्यवहार में वो जागता निजका है, जो अपने कार्य में जागृत होता है वो व्यवहार में सोता है, और जो व्यवहार व्यवहार में जागता रहता है वो परमार्थ में सोता है। दो हो गए, पहले का नाम वापस दिग्व्रत, दूसरे का नाम अनर्थ दंड, और तीसरे का नाम भोग, भोग परिमाण, भोग भोग परिमाण, परिमाण कर लो उसका। चलो विशेषार्थ पढ़े, देखो जरा अनर्थ, ये विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में भोग भोग परिमाण व्रत को शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया गया है और यहाँ गुण व्रत में गर्भित किया है, भोग भोग परिमाण को। तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में देश व्रत को गुण व्रतों में गर्भित किया है और यहाँ शिक्षा व्रत में लिया है। देखो मैं आपको बतला दूँ क्या चक्कर हुआ है, तीन तो थे गुण व्रत और चार थे शिक्षा व्रत, टोटल है 7। 7 को यदि आप देखेंगे तो जो तत्वार्थ सूत्र में है 7, वही 7 रत्नग्रहण श्रावकाचार्य में, वही 7 इसमें, कोई फर्क नहीं है, वही 7 छेड़ाला में, 7 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत जब हमने 2 टुकड़े कर दिए तो एक जो था उसमें से उसको इधर से उधर कर दिया और उधर से इधर कर दिया, ऐसा हो गया, समझ में आ रही है बात। इधर गुणव्रत में जो देश व्रत था उसको शिक्षा व्रत में ले लिया, और शिक्षा व्रत में जो भोग भोग परिमाण था उसको गुणव्रत में ले लिया, बस बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो हम जो छेड़ाला के आधार पर जो याद करते हैं बार बार में बोलते हैं दिग्व्रत देश व्रत अनर्थ दंड व्रत, ये 3 ले लिए, अब फिर 4 के दिए सामायिक क्रोशदोपवास अतिथि समविभाग और भोगो भोग परिमाण, तो भोगो भोग परिमाण को इधर ले लो और देश व्रत को उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, समझ में आ रही है बात। तो तत्वार सूत्र शास्त्र में अलग लिया है और यहाँ अलग लिया है, कोई विशेष बात नहीं है, उसको यहाँ बतला दिया है कि भाई किसी को भ्रम न हो, कोई कहे कि साहब तो नाम ही गलत लिख दिए हैं यहाँ, हमने तो ऐसे पढ़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अनर्थ दंड देखिए, आप इन 3 गुण व्रतों में भी अनर्थ दंड को कितना महत्वपूर्ण समझा गया,
जिसको विशेष रूप से लिखा, बाकी को नहीं। दिग्व्रत की चर्चा का विस्तार नहीं किया कुछ भी, क्योंकि ये खाम खाम ही होता है। बाकी सारे पाप तो दिखते हैं, ये मत करो ये मत करो, सब सब दिखता है हमारे को, गलत काम है। लेकिन ये पाप ऐसा पाप है जो पाप जैसा नहीं दिखता है। इसके हमने पांच भेद एक दिन आपको बताए थे, पांच नाम बतलाए थे हमने। काहू की धन हानि किसी जन हार न चिंते, कर प्रमाद से शुरू होगा, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक नवे राधे, असी धन हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कहू न सुनीजे, और मन रथ दंड है तो अग तिने न कीजे। क्या एक एक लाइन पीछे चलेगी शायद। प्रमाचर्या, हिंसादान, दुश्रुति, अपध्यान और पापोपदेश, ये पांच भेद है। चलो देखो यहाँ क्या कहते हैं। बिना प्रयोजन किए जाने वाले पापों को अनर्थ दंड कहा जाता है। बिना प्रयोजन बैठे बैठे पैर हिला रहा है, बिना प्रयोजन बैठे बैठे घुटने हिल रहे हैं, बिना प्रयोजन घास निकाल रहा है, धागे को ऐसे घुमा रहा है, ऐसे उंगली में घुमा रहा है, बिना प्रयोजन कर रहा है। क्या प्रयोजन है उससे, उससे क्या हासिल होने वाला है, कुछ भी नहीं। और बिना ही प्रयोजन कर रहा है। बिना प्रयोजन किए जाने वाले कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं, उसका त्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। पांच, पहला पापोपदेश। ओहो, पाप का उपदेश नहीं, पापोपदेश। देयन सो उपदेश होए अग, जिन जिन कार्यों में पाप होता हो उसका उपदेश न देने। हम क्यों उपदेश दे रहे हैं, हम काहे को किसी को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, उसको ऐसा किया जाना चाहिए। एक काम करना, तुम तुम्हारे यहाँ वो लक्ष्मण रेखा लाना और खींच लेना। हम काहे को उपदेश दे रहे हैं, हम क्यों किसी व्यक्ति को बतलाएं कि देखो चूहे बहुत हो रहे हैं ना, ये चूहे मारने की दवाई ले आना। अरे हम क्यों पाप के भागीदार बने, ऐसा उपदेश भी नहीं। जिन कार्यों में हिंसा होती हो ऐसा उपदेश आप क्यों दे रहे हो, ऐसी हिंसक चीजों का उपदेश। मच्छर बहुत हो रहे हैं, एक काम करो तुम, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, क्यों तुम्हें क्या मतलब है। तुम्हारे घर में हो उसकी चिंता तुम करना, दूसरे के घर की चिंता क्यों कर रहे हो। मिनिस्टर हो गया तो पूरे शहर के अंदर मच्छर नहीं होने चाहिए, सारे शहर के अंदर ऐसा डीडीटी छिड़कवा दिया, और वो चलती है ना मशीनें फॉगिंग, वो इस तरह चला दिए, वो मर रहे हैं सब, सबको मार दो, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। ये भी पापोपदेश है। करने के लिए कहना, ये भी पापोपदेश है। अनुमोदना भी, कृत कारित अनुमोदना, एक समान पाप है। हम क्यों पाप के भागीदार बने, हम क्यों हिंसा के भागीदार बने, ऐसा और करना चाहिए। मोदी को ये काम और करवाना चाहिए, और स्ट्राइक करनी चाहिए इस तरह की, ऐसा और होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तो माथा पच्ची में पड़ा जाए, ये रहेगा तो देखना ऐसा हो जाएगा। क्यों किसी को उपदेश दे रहा है, क्यों किसी से इस तरह की चर्चाएं कर रहा है, ये सब पापोपदेश है। सावधानी रखने की बात है भाई, देखो सावधानी जो समझिएगा। इसलिए आप सब समझदार दिखाई देते हैं, इसलिए आपको ऐसी बातें कही जा रही है। कोशिश करें हम, कोशिश तो हो ही सकती है। और देखो मुझे मालूम है एकदम तू नहीं छूटती है, किसी के साथ में बैठते हैं, लेकिन जब चर्चा कर रहे होंगे ना तो आपके दिमाग में बत्ती जरूर जलेगी, कह रहे हैं काय को जबरदस्ती की चर्चा नहीं करना है, इससे क्या लेना देना है। हाँ, इस तरह की हिंसा के काम जो भी हो, इस तरह के फ्लोर मील खोलने की बात हो, चाहे चप्पल जूतों की दुकान, चमड़े की बिजनेस करने की बात हो, उसमें बहुत है। एक काम ऐसा कर ले, ये कर ले, पापोपदेश नहीं, पाप का उपदेश नहीं, खोटे काम करने का उपदेश नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं साहब, शेयर्स का काम करने वाले लोग, माने वो ऐसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाते जिस कंपनी में हिंसा का व्यापार होता हो, जिस कंपनी के माध्यम से चमड़े का व्यापार होता हो। ऐसे परिचित लोग मिलते हैं मेरे को, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उस जॉब के अंदर कहीं ना कहीं लिंक होता
होता था उस चीज से कि शहद प्रयोग किया जाता था, उन्होंने जॉब छोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग हैं बोलो दुनिया में। मैंने कैसे लगता है कि क्या सोच है इन लोगों की कि साहब हम जो मार्केट, हम तो शेयर का ही काम कर रहे हैं ना, मार्केट कम ज़्यादा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, शेयर ही तो कर रहे हैं, लेकिन भाई ये भी वो नहीं, ऐसी कंपनी के नहीं, उन कंपनियों से दूर रहेंगे। तो पूरा डिटेल पढ़ करके काम करने वाले ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में। उपदेश नहीं, पहला हो गया पापोपदेश, नंबर दो हिंसा दान। हिंसा दान क्या चीज़ है? जिन जिन वस्तुओं से हिंसा होने की संभावना हो ऐसी वस्तुएं नहीं देना। हाथ से चप्पू ले जाएगा और किसी की हत्या कर दे, बोलो ऐसी घटनाएं नहीं होती आजकल। वैसा नहीं, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, मालूम है आपको? अपराध है, बोतल में, बोतल में नहीं देते। पहले कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी रुक जाती थी, बोतल में भरवा लाते थे, क्योंकि कई घटनाएं घट चुकी हैं इस तरह की। ये ले जाएगा और ले जाकर ये कहीं किसी को जला देगा, कहीं मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। हम क्यों ऐसे पाप के भागीदार बने? हम क्यों दे दें किसी व्यक्ति को ऐसा ऐसी चीज? खुद ही निकाल लेता है। हिंसा, हिंसा का तो निषेध तो है ही, हिंसा तो कोई नहीं करता। हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों को किसी और को दिया जाना, ये हिंसा दान। हाँ, खावड़ी खोदने की चीज़ें, इस तरह की जो भी औजार वगैरह इस तरह के हो, आरी, ये सब न देवे। ब्लेड नहीं देवे किसी को, रेजर नहीं देवे किसी को, चक्कू नहीं देवे। हिंसा दान, सावधान रहे भाई। दान माने दिया जाना, हिंसा माने हिंसक वस्तुओं का। फिर नंबर तीन अप ध्यान ओ क्या बैठे बैठे विचार कर रहा है, छोटा ध्यान, बैठे बैठे बिना ही मतलब का चिंतन कर रहा है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, उसको ऐसा होना चाहिए था, अब तो देखना ऐसा तो क्या लेना देना यार तेरे को, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, छोटा ध्यान करता रहता है। अब सोचो ध्यान पे कंट्रोल लगा दिया, ध्यान ध्यान तो खोटा ध्यान कर रहा है, पाप का ध्यान कर रहा है तू। इस ध्यान से बच, जिस ध्यान में तेरे पाप पाप के परिणाम चलते हो, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होता हो, उस ध्यान का निषेध कर दिया है, अप ध्यान कह करके पुकारा है। पापोपदेश, हिंसा दान, अप ध्यान, अप ध्यान याद रहेगा भैया। खाम खामे ध्यान किए जा रहा है, देखो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, खाली खाली दिमाग शैतान का घर, क्यों क्या हो गया? इसलिए भाई अपने दिमाग को खाली मत रखो, बिना विचार के तो रह ही नहीं सकता, बिना विचार के तो रह ही नहीं सकता है, तो खाली मत छोड़ो उसको। खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ खोटे विचार आएंगे, और आप इसको सब्जेक्ट दे दो, इसको विषय चाहिए, इसको विषय चाहिए इसको। आपका मन रूपी बंदर बहुत चंचल है, ये तो उछल कूद मचाएगा, लेकिन इसको उछल कूद मचाने के लिए जिनवाणी रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, तो कभी प्रथमानुयोग की डाल पर, तो कभी चरणानुयोग की डाल पर, कभी करणानुयोग की डाल पर, कभी द्रव्यानुयोग की शाखाओं के ऊपर, कभी पूजन में, कभी भक्ति में, कभी भजन सुनने में, कभी स्तुति में, कभी पाठ करने में, इन चीजों में उपयोग, बदलाव चाहिए ना कुछ ना कुछ। पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो प्रवचन सुनने लगा, प्रवचन सुनते सुनते बोर हो गया तो म्यूजिक चला लिया, भक्तियां चलने लगी, पाठ चलने लगी। विषय बदलो, तो ये अप ध्यान से बचने का उपाय है। हमारा जो दिमाग है, ये हमारा दिमाग खाली पड़े हुए प्लॉट जैसा हुआ करता है। सबसे ज्यादा मुझे आपका प्लॉट यदि खाली पड़ा है ना, तो बिना कुछ किए हुए ही घास फूस उगेगी अपने आप, कचरा उगेगा, घास उगेगी, बिना मतलब की चीज़ें उगेगी। यदि आपने परिश्रम की, देखो उसमें एप्पल लगाना, उसमें केले का पेड़ लगा देना, उसमें फल सब्जियां लगा देना, उसमें तो लगती है मेहनत। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा,
और मेहनत नहीं करो, अब कौन करे? तो फिर कौन करे? तो फिर ऐसा नहीं है कि कौन करे तो कुछ नहीं होगा, वो अपने आप उगेंगी। गलत चीजें, गंदगियां, गलत विचार, खोटे विचार, वो अपने आप उगेंगे। तो अब क्या करें साहब? कि बुद्धिपूर्वक अप ध्यान से बचो। बुद्धिपूर्वक बचने की प्रेरणा दी गई यहाँ, अप ध्यान। इन सब के त्याग की बातें। फिर आगे नंबर चार, दुश्रुति। ये पॉइजन है, ये कानों में भर दिया जाता है, गलत बात सुनना ही नहीं, चर्चा करना ही नहीं। क्या ये सुन सुन करके सबसे ज्यादा जो जहर है वो मिलता है कानों से। किस ये कानों से मिलने वाले जहर से दुश्मनी पाल लेता है, झगड़े हो जाते। किसी ने किसी के बारे में क्या कह दिया और किसने किसके बारे में क्या समझ लिया, बस क्या हो गया, दुश्रुति। सुनना ही नहीं, चर्चा ही नहीं करना। तो क्या चर्चा करें बतलाओ? ये अप ध्यान ने किसी के हार जीत संबंधी चिंतन को भी लिया है। तीसरे नंबर का जो दे दो ना अप ध्यान, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, खेलों में कौन जीत रहा है, ये जीत जाए, ये हार जाए, उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। काबू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी और की, अपने आप के बारे में तो आता है ये विचार, नुकसान नहीं हो जाए, लेकिन दूसरे का हो गया है, इसमें क्या हो गया तुझे? खोटा खोटा ध्यान है ये, अप ध्यान। और गलत बातों का सुनना ये कहलाता है दुश्रुति। इसको रस आता है, एक प्रकार का रस है, नौ रसों में साहित्य में कई प्रकार के रस बतलाए हैं, उसमें एक निंदा रस भी बताया है, निंदा रस। उसमें टाइम पास होता हुआ दिखाई देता है व्यक्ति को, निंदा, बुराइयां, साथ में बैठे हैं किसी और की चर्चाएं कर रहे हैं। ये तो जगत में प्रसिद्ध कथन है कि दो चार महिलाएं कहीं बैठ करके चर्चा कर रही हों तो समझ लो कहीं प्रसिद्ध है। ये तो किसी ने किसी के संदर्भ में, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तुम्हें पता है उसका क्या हुआ है? अरे किसका क्या हुआ, तुझे खुद का भी पता है क्या? अपने क्या हुआ है? दूसरों के घरों की खबर रखे और अपने घर की खबर ना होवे। भाई इन चर्चाओं से जब तक विराम नहीं होगा तब तक ये दृष्टि बाहर से हटकर स्वभाव सन्मुख नहीं होगी, तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। ये सारी बातें, अरे यार क्या फर्क पड़ गया किसी के लिए बातें कर ली तो? फर्क ये पड़ गया कि तू आत्म कल्याण से दूर हो गया। असली मुद्दा तो ये है, किसी की निंदा और आलोचना करने से, अच्छा मैंने निंदा कर ली तो उसके क्या फर्क पड़ जाएगा? उसके तो फर्क नहीं पड़ा, फर्क तेरे पड़ रहा है। ये जितनी चर्चाएं हैं किसी दूसरे के लिए नहीं है, उसके तो अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा कि यशस कीर्ति कर्म का उदय होगा, जो होगा होगा सो होगा। लेकिन तूने जो ये चर्चा की, क्या इस चर्चा से तूने अपने आप का आहित कर लिया? किसको दोष देवे, किसको सजा देवे साहब? अपन सत्य मिलेगी, अपने आप को मिलेगी, कहीं कोई दूसरा नहीं है। 11 तारीख को अपना प्रवचन वहां रखा है, शनिवार को जवाहरनगर में, जवाहरनगर जैन मंदिर में, सुबह 9:30 बजे। ये जो यहाँ की जगह जवाहरनगर में, कर्म सिद्धांत के ऊपर, और आयोजक है राजस्थान जैन साहित्य परिषद, उनकी तरफ से। तो ये कौन दोषी, कौन अपराधी? क्या प्रोजेक्टर पे लेंगे, है ना, स्लाइड्स के माध्यम से वो चर्चा करेंगे अच्छे ढंग से। बीच में विकल्प आ गया इसलिए सूचना दे दी आपको, अलग से क्या सूचना देना, है ना। हाँ 12 का करेंगे विचार, 12 का चूलगिरी का विचार है, देखते हैं जो भी होगी, ऐसा कुछ क्या स्थिति है सोचेंगे 12 के भी। अभी तो देखो आप यहाँ क्या क्या कह दिया इन्होंने, दुश्रुति हो गई 4 नंबर, 5 नंबर प्रमादचर्या। अभी प्रमादचर्या में सवाल, बिना देखे खा रहा है, बिना देखे दौड़ रहा है, भागे जा रहा है इधर से उधर, प्रमादचर्या ही है ये। जो नल चलाने और लाइट जल्दी रहने की बात, ये सब प्रमादचर्या ही तो है, और क्या है?
अरे इतनी प्रमादचर्या दिखाई देती है कि चलते चलते ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने का मतलब जानते हैं मास्टर साहब? ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आपके पैर के नीचे चूहे जैसे बड़े बड़े जीव आ जाए तो उसकी खबर नहीं है, इसका नाम है ठोकर लगना। नीचे देख करके नहीं चले ना आप, आपको पत्थर नहीं दिखा ना, आपको 3 इंच की ऊंचाई की जगह नहीं दिखी ना आपको, ठोकर लगने का मतलब क्या है? वो इतनी मोटी चीज नहीं दिखी, इसका मतलब इतना मोटा कोई जीव भी पैर के नीचे आ जाता, कबूतर पांव के नीचे आ जाता, चिड़िया पांव के नीचे आ जाती, चिड़िया के बच्चे पांव के नीचे आ जाते, मोटे मोटे कॉकरोच जैसे जीव पांव के नीचे आ जाए, ये सब प्रमादचर्या है। अब सोचना अपन लोगों को ठोकर लगती है कि नहीं कभी है? यदि हमारे को ठोकर लगती है इसका मतलब हम लोग कितने प्रमाद में चलते हैं ये पता लगता है। सब तरह के लोग हैं जी दुनिया में, लोग तो खाने पीने के लिए कहते हैं तो तेरी तो खाने पीने के लिए, ये जो दूसरे लोग जो है ना क्रिश्चियंस, ये जीव ही मनुष्यों को मानते हैं। एक क्रिश्चियन थे मेरे साथ में, हम लोग सफ़र कर रहे थे अमेरिका से लंदन तक हमारा सफ़र था, और जैन होने का और इंडियन होने का तो सवाल ही नहीं है, वो फॉरेनर ही थे कोई, उधर लंदन साइड के ही थे विदेशी, तो ऐसी चर्चा चलने लगी हमारी, वो क्रिश्चियन थे जैन थे, तो चर्चा चलने लगी तो मालूम चला ये तो 3 इंचों को जैन वो जीव ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि हमारे जो वो है ना गॉड, उन्होंने इनको बनाया ही इसीलिए है, यदि हम लोग इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी दुनिया में, इसलिए जैसे फल सब्जियां हैं वैसे ही है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। उसको 2-4 घंटे समझाया मैंने कहा इनमें फीलिंग है, ये कैसा महसूस करते हैं आप देखो जरा, खूब लंबी चर्चा चली, डिस्कशन चला हमारा, उन्होंने अपने धर्म के बारे में बतलाया, और करुणा इतनी कि वो पता है कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे किसी ऐसी जगह पर जहाँ गरीबों की सेवा करने के लिए, जहाँ दीनहीन अनाथ बच्चे थे ना उनकी सेवा के लिए, और नॉन वेज खा रहे थे। कुछ समझाया मैंने उनको, तो कुछ दिमाग में घुसी होगी जो कुछ भी हुआ हो, अंत में कहा तो सही कि बहुत अच्छा लगा चर्चा करके, लेकिन वो क्या समझ में नहीं आती लोगों को, उनको कुछ समझ में आई हो या नहीं आई हो, हमें इतनी जरूर समझ में आ गई कि ये लोग उनको जीव नहीं मानते क्या। इसे कुछ कोई ना कोई मिलते रहते हैं इस तरह के लोग, हाँ आपको बहुत आश्चर्य की बात बतला रहा हूँ, मेरा प्रवचन था राजस्थान जैन सभा की तरफ से चाकसू के चौक में, वीर शासन जयंती का कार्यक्रम था, मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था, कोई महाराज के सानिध्य में था, कोई मुख्य वक्ता मुझे बुलाया था वहाँ, तो प्रवचन हुआ, पूरी चर्चा हुई, और बाहर निकले तो एक समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, नाम लेना उचित नहीं है, लेता भी नहीं हूँ नाम, और वो मेरे से बोले कि ये जो कबूतर है ये जीव थोड़ी ना, ऐसा बोले मेरे से, कबूतर थोड़ी ना जीव होते हैं, जीव तो अपन लोग ही है ना, यार ये कैसे लोग हैं, बोले यार क्या समझाएं क्या बताएं ऐसे लोग, और खूब दिन रात लगे रहने वाले बहुत प्रतिष्ठित, अभी तो शायद स्वर्गवास हो गया उनका, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुछ अब मरे व्यक्ति का नाम लेके क्या क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों में सभी लोग हैं ना, सब इसी इसी चौपड़ी के रहने वाले, हाँ इतने सेवाभावी लोग भी, समाज में इतने सक्रियता से काम करने वाले लोग भी इन बातों से अपरिचित हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। मुझे तो इतना तरस आता है देख देख करके कि ओ ये कितना काम करने की जरूरत है मनोज जी, ये अकेले मेरे से काम नहीं चलेगा, जरूरत है आपकी, जरूरत है दीपेश जी आपकी, क्या भैया मैंने सब मिलकर के लोगों को समझाएं समाज को,
जहाँ कहीं कोई व्यक्ति मिलता है काम, जहाँ कहीं कोई गलत काम होता हुआ दिखाई देता है, हम उन्हें टोकें, हम उनसे चर्चा करें, हम उनको बताएं, हो सकता है उन्हें इन बातों की खबर ही नहीं, हो सकता है वो बेचारे जानते ही नहीं, तो हम उन्हें बताएंगे तो धीरे धीरे जागृति आएगी। अकेला व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाए और किस किस को समझाएं और कितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे, तो मल्टीपल होने जैसी चीजें हैं ना ये। तो कल परसों बता रहे थे पारस जी, समझाया कुछ लोगों को, चर्चा होती है तो भाई जब बात सामने आएगी तभी तो कुछ सामने वाले लोग समझ पाएंगे। दो श्रुति का त्याग कर दिया, प्रमादचर्या अंतिम था ना ये, प्रमाद नहीं, प्रमाद नहीं। देखो हमारा जो जितना चरणानुयोग है ये पूरा का पूरा चरणानुयोग प्रमादचर्या का निषेध करता है। रेडी में खरीद लाओ, बाजार से खरीद लाओ खाने पीने की चीज़, घर में आटा पिसता है, घर में मसाले पिसते हों, हैं घर का काम खुद घर करते हों, प्रमाद कैसे हो सकता है? प्रमाद घर में पापड़ बनाए जा रहे हैं, है मंगोड़ी बनाई जा रही है घर में, ये काम होते हैं तो आलसी कैसे? एक जैनी और प्रमादी ही कैसे हो? तो विरुद्ध बात है। धनिया साफ कर रहा है, ये क्या बोलते हैं पुदीना साफ कर रहा है, इसका ये हो रहा है, उसको सुखा रहा है, इसको भीन रहा है, इसको पीस रहा है, ये किन किन काम, आलसी कैसे हो सकता है? बोलो ये सारी बातें नहीं होती है अपने घरों में, देखते हैं ना अपन। और आप तो अरे भाई साहब कौन करे क्या, तो तुम तो बैठ के टीवी देख लो कौन करे तो बाजार से ले आओ, रेडीमेड ले आओ, और तुम्हें पता नहीं है बाजार की क्या हालत है। कल परसों मैंने वो फोटो पोस्ट की थी नमकीन की, ये सबके हालत ऐसे हैं। बाजार की नमकीनें बनती हुई की 5-7 फोटोएँ थी, तो उसमें वो कैसे पैरों में लगी हुई है, उनको ऐसे ढेर लगाए नमकीनों का, उसके ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, वो पैक कर रहा है कोई व्यक्ति उसी में से ले ले करके, क्या हालत है, पसीना गिर रहा है, पसीना गिर रहा है उसी के ऊपर, टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, सब जगह की यही हालत है। एक लज्जत पापड़ का एड आया करता था टीवी में, बहुत आता था बम्बई में, कोई हमारे को उसकी फैक्ट्री और जहाँ बनते थे ना वो जगह दिखा करके लाए बॉम्बे में, जब उसे देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्या हालत थी। जिस जगह पर आप खड़े नहीं हो सकते हो ऐसे जगह पर वो पापड़ बना बना कर सड़क पर नालियों के बाहर वहाँ ऐसे लगा लगा करके बिछाए हुए, ऐसे ऐसे टूटते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, आप खा नहीं सकते। ये चीज़ें जिस तरह से बनती हैं बाजार की चीज़ें और जिस तरह से आती हैं, तो आप एक बार देख लो, मैं तो कहता हूँ ये गजक जो बनती है ना एक बार देख लो आप, गजक के बहुत शौकीन है ना, सर्दियों में सब खाते हैं आदमी, किशनपुर बाजार में आपके आस पड़ोस में बनती हुई रहती है कई जगह, पीछे फैक्ट्री है, हम देखिए कई बार कैसे बनाते हैं ब्रेड वगैरह किस तरह से बनती हैं। अब अच्छी है सब कहते हुए जो संभव हो सके प्रमादचर्या का निषेध किया है। फल सब्जी बनाते समय आप यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो कितनी हिंसा होगी सब्जियों को धोने में, सब्जियों को साफ करने में। प्रमादी व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता और मोक्ष मार्गी प्रमादी नहीं हो सकता। ये तो बहुत स्थूल प्रमाद के निषेध की बात कही है, क्योंकि तो बाह्य व्रतों की चर्चा चल रही है ना। मणिराज तो उस प्रमादचर्या का निषेध करते हैं, विकल्प मात्र आ जाना और उपयोग अपने स्वरूप से बाहर निकलना, इसका नाम प्रमाद है। इसलिए प्रमत्त गुणस्थान में आते ही निरंतर अप्रमत्त गुणस्थान में जाने का प्रयास रहता है, छठे गुणस्थान से बढ़कर के निरंतर सातवें गुणस्थान में जाने की भावना रहती है। इतने उत्कृष्ट लेवल पर चर्चाएं हैं यहाँ तो, लेकिन ये साधारण बातें भी हमारे जीवन में होनी चाहिए, जीवन परिष्कृत और निर्मल बनना चाहिए। और ये सब बनता है ना तो तत्व की बात अंदर में प्रवेश करती है, पात्रता है ये सब, और हमारे जीवन में ये सब पात्रताएं बढ़ते हुए ये शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं अंदर हृदय में गुंजायमान हो। तो खैर इस तरह से 5 वेद किए, इनका अर्थ इनके नामों से ही स्पष्ट होता है, विशेष अर्थ अन्य श्रावकाचार्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। कुछ चर्चाएं आपके बीच में की है, शेष चर्चा